पटना एटीएस की टीम ने फुलवारी शरीफ के मदरसे में छापेमारी की है। मदरसे में पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशंका है। तेलंगाना और तमिलनाडु से 12 लोग प्रशिक्षण देने आए थे यहां पर, तो फुलवारी शरीफ के मदरसे में छापेमारी की गई है। मदरसे में पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशंका है। अच्छा देखिए, यहां पर अब ये तार तेलंगाना और तमिलनाडु से जुड़ते हैं। खबर यह है कि तेलंगाना और तमिलनाडु से 12 लोग यहां फुलवारी शरीफ के मदरसे में प्रशिक्षण देने आए थे। रुपेश की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। TV9 भारतवर्ष उस मदरसे में पहुंचा है, जो मदरसा भी है और बगल में मस्जिद भी है, जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। कौन सा मस्जिद है? मक्का जामा मस्जिद। और मदरसे का क्या नाम है? मदरसा तालीम और तरबियत निज जगजीवन स्टेडियम खगोल। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम तबारक करीम। क्या है तबारक करीम साहब? हम स्टाफ यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाते हैं जी। और कितने स्टाफ हैं यहाँ? दो गए हुए हैं छुट्टी में। मौलाना भी होंगे? जी, वो सब छुट्टी पे गए। कारी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। अच्छा, तो एक हम हैं। तो कब से छुट्टी पे गए हुए हैं? ये बकरीद की छुट्टी हुई थी, 10 तारीख को गए हैं। 10 तारीख को गए जी। ये बताइए, इस बीच में 6-7 को या उसके पहले यहाँ कुछ लोग बाहर से आकर ठहरे हुए थे? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं आया है। मेरे सामने तो कोई यहाँ पे नहीं आया सर। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ? हम तो यहाँ 4 साल से हैं। 4 साल से जी। तो ये इनपुट है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, यहाँ पर ठहरे थे 12 लोग? नहीं सर, यहाँ तो नहीं आए हैं, यहाँ पे कोई नहीं आया अभी। तो यहाँ पर सिर्फ ये तालीम दी जाती है और भी किसी तरह का प्रशिक्षण होता है? तालीम दी जाती है इन बच्चों को जी। तो क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? कुरान शरीफ। अभी क्या पढ़ रहे हो? अम्मा पढ़ा। अच्छा, क्या पढ़ते? कुरान शरीफ जी। अच्छा, ये बताओ अभी यहाँ कब से हो आप लोग? मैं 1 महीना से। 1 महीना से जी। तो कुछ लोग बाहर से भी आकर ठहरे थे, 10-12 लोग? नहीं, तो है? नहीं। कुछ ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं होते थे।